स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, किचन शेफ एनीबडी कैन कुक में आप सबका स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं हम लोगों का चैनल पसंद कर रहे हो। अगर अब तक आप लोग हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों का चैनल। नए नए रेसिपी आप लोग यहाँ देख सकते हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों का चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का नया डिलीशियस रेसिपी। आज का नया रेसिपी है दही फिश कलिया। ये बहुत ही आसान से बनने वाली फिश का डिश है जो आप बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आपके किचन में कभी भी बना सकते हो और इसको स्टीम राइस यानी कि चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो जरूर आपने किचन में बनाइए दही फिश कलिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए लगभग 1 किलो रोहू या कतला फिश चाहिए, जिसको बड़ी बड़ी मोटी मोटी टुकड़ों पे काटी गई है। पहले हम लोग फिश को मैरिनेट कर लेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच हल्दी के साथ। सारी चीजों को अच्छे से मिला के फिश पीसेस को लगभग 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। ये मैरिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो नमक है वो फिश पीसेस के अंदर तक जाती है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जब तक हम लोगों का फिश मैरिनेट होता है तब तक हम लोग बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हल्दी पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 4 चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़ी तेजपत्ता, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को 3 बड़ी प्याज जो हम लोग उबाल के पेस्ट बना लेंगे, 1 कप दही और 2 बड़ी बड़ी प्याज जिसको हम लोग बारीक से काट लिए हैं यानी कि छोटी टुकड़ों में काटी गई है लगभग 1 कप। पहले कढ़ाई में तेल चढ़ाइए, लगभग 5 चम्मच तेल, यहाँ सरसों तेल यूज किया गया है। अगर आप सरसों तेल नहीं पसंद करते हो तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो। तो अच्छे से ये तेल गरम कर लेनी है। तो तेल गरम हो चुका है, अब जो फिश के मैरिनेटेड फिश के टुकड़े हैं वो एक एक करके इस गरम तेल में डाल देंगे। फिश फ्राई करते टाइम ध्यान जरूर रखिएगा तेल पूरी तरह से गर्म होनी चाहिए, नहीं तो फिश नीचे कढ़ाई में अटक जाएगी या अंदर तक पकेगी नहीं। इसको हम लोग मीडियम फ्लेम में रख के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर आप फिश को मीडियम फ्लेम में रख के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करते हो तो फिश पूरी तरह से पक जाएगी और खाने में भी स्वादिष्ट बनेगी। तो सारी फिशेस हम लोगों का फ्राई हो गया है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और आगे इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो सारे फिशेस को हम लोगों को ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेना है। चलिए शुरू करते हैं अब ग्रेवी बनाना। ग्रेवी के लिए हम लोगों को उसी तेल का यूज करना है जिसमें हम लोग फिश फ्राई किए थे। पहले खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर लेंगे, जिसपे 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी की कलियां है, साथ ही साथ 2 तेजपत्ता भी ऐड कर देंगे। अब बारीकी से काटी गई प्याज के टुकड़े हम लोग इसमें डाल देंगे। यहाँ लगभग 1 कप प्याज लिया गया है। 2 बड़ी प्याज को हम लोग छोटी छोटी टुकड़ों में ऐसे ही काट लिए। इस प्याज को हल्की आंच में भून लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, प्याज पूरी तरह से फ्राई हो गया है, कितना अच्छा रंग आया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें जो प्याज के पेस्ट हम लोग बनाए थे उसको ऐड कर देंगे। ये प्याज पेस्ट बनाने के लिए आप लोग 3 बड़े प्याज लीजिए, जिसको उबाल के मिक्सर में पेस्ट बना लीजिए। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट लगभग 2 चम्मच डाल देंगे। साथ ही साथ 2 चम्मच लहसुन की पेस्ट, इसमें 4 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। सारे चीज डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और इसको हल्की आंच में लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए और साइड से तेल ना निकलने लगे। मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, लगभग 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ
सारी चीजों को अब अच्छे से मिला के हल्की आंच में हम लोग फ्राई करेंगे 3-4 मिनट। देखिए मसाला हल्का फ्राई हो गया है। अब इसमें हम लोग डालने वाले हैं दही। इस दही को हम लोग लगभग 1 कप लिए हैं, जिसको अच्छे से फेंट लिए हैं। दोस्तों दही को अच्छे से फेंटने के बाद ही इस मसाले में ऐड करके अच्छे से मिलाइएगा। अगर आप दही अच्छे से फेंटना नहीं हुआ तो यहाँ पे थोड़ा छैना छैना जैसे दिखने लगेगा और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इस मसाले को हम लोगों को लगभग 5-7 मिनट हल्की आंच में फ्राई करना है। देखिए ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, कितना अच्छा रंग आया है। अब इसमें एक एक करके फिश पीसेस जो हम लोग फ्राई किए थे वो डाल देंगे। तो सारे फिश पीसेस को हम लोग मसाले में डाल दिए हैं। अब लगभग 1 ग्लास पानी इसमें डाल देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। सारी चीजों को अच्छे से मिला के हम लोगों को ढक के इसको लगभग 5 मिनट तक हल्की आंच में पकाना है, ताकि हल्का सा मसाला फिश के अंदर चला जाए और ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गया है तो दोस्तों अभी ढक्कन खोल के एक बार फिश ग्रेवी चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी में कितना अच्छा रंग आया है, ऊपर से तेल भी दिख रहा है, फिश अंदर तक सॉफ्ट हो गई है और पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसको गर्मा गर्म परोस लेंगे चावल यानी कि स्टीम राइस के साथ। तो पूरी ग्रेवी को एक बाउल में हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने किचन में दही फिश कलिया। आशा करते हैं किचन शेफ एनीबडी कैन कुक का ये नया रेसिपी दही फिश कलिया आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। तो जरूर से आपका फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं किचन शेफ एनीबडी कैन कुक का चैनल आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों का साथ का हम लोगों को बहुत जरूरत है। तो जरूर से हम लोगों का वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक अगर हम लोगों का चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।